नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश कुमार और आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। कानपुर एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस की गाड़ियां रुकी और जैसे ही पुलिसकर्मी नीचे उतरे, तुरंत उन पर दहशत गर्द विकास और उसके गुर्गों ने गोलियां बरसा दी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। दरअसल कुछ इसी तरह से बिकरू गाँव में 2 जुलाई की रात वारदात का नाट्य रूपांतरण किया गया और लखनऊ की फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज फॉरेंसिक टीम थाना सचेंडी इलाके में मुठभेड़ स्थल पर भी पहुंची, जहां सीन रिक्रिएट करते हुए मुठभेड़ के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई। मुठभेड़ के दौरान किस तरह गाड़ी पलटी और फिर विकास गाड़ी से निकलकर किस तरफ से भागा और किस तरह पुलिस की अपराधी से मुठभेड़ हुई, सारे घटनाक्रम को दोहराते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। रिक्रिएशन में साक्ष को संकलित करने का कोई वो नहीं है। साक्ष को हम लोगों ने पूर्व में ही संकलित कर लिया था जी। जो हमारी यहाँ की टीम थी, जो यहाँ की लोकल यूनिट टीम थी, उसने घटना के दिन ही जो साक्ष संकलित करने थे, साक्ष संकलित कर लिया इन्होंने। हमारा काम ये था कि इसके साक्ष्यों के साथ साथ हमारी वैज्ञानिक विवेचना भी इसके साथ होनी चाहिए। वैज्ञानिक विवेचना के क्रम में हम लोग सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इनके द्वारा जो भी चीज़ें वर्णित की जाती हैं, उसके आधार पर इनके बताए अनुसार कि उस दिन क्या घटनाक्रम घटित हुआ, उन सारे घटनाक्रमों को हम लोग एक कड़ी में जोड़ते हैं। उन कड़ियों को जोड़ने के पश्चात बाकी जो चीज़ें, इसमें कई चीज़ें हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, नक्शा नजरी है, FIR में जो तथ्य अंकित है, उन सारे को हम लोग एक साथ करिस्पॉन्ड करते हैं। परीक्षण के पश्चात वेपन का परीक्षण आवश्यक होता है, जब शस्त्रों का परीक्षण हो जाता है तो उसके साथ ही हम सारी रिपोर्टों के एक साथ उसमें हम देखते हैं कि क्या उसका निष्कर्ष निकलता है। क्या प्रोसेस बताया गया, रिकॉर्डिंग की गई? नहीं, प्रोसेस तो पूरी जो गाइडलाइन है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, फोटोग्राफी होती है, इसकी सारी दूरियों का मापन होता है। अभी हम लोग इसकी दूरियों का मापन करेंगे, कितनी कितनी दूरी पे थी, उस दूरी से जो चोटें आई हैं उन सारे को हम लोग टैली कराएंगे कि चोटों का आना उतनी दूरी से है। ठीक है, सारी चीज़ों पर पहुँचे। परिचय सर, परिचय। डॉक्टर AK श्रीवास्तव, बैलिस्टिक इंचार्ज, विधि विज्ञान प्रयोगशाला। यूपी के कौशाम्बी में मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के समुदा बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर में नशीली दवा चुराने के आरोप में दुकानदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर ऑटो चालक समेत 2 युवकों को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीट दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और भीड़ से दोनों युवकों को बचा लिया। इसके बाद समझा बुझाकर दोनों युवकों को घर भेज दिया। आरोप है कि पुलिस ने दोनों का इलाज भी नहीं करवाया। शरीर पर गंभीर चोट लगने से ऑटो चालक मोहम्मद वैस की मौत हो गई। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर ने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। घटना की छानबीन चल रही है। पप्पू राका लड़का हैदर वसीम और सिकंदर अकबर, उनकी औरत रुखसाना सायदा, ये सब कमरे में, भूसे वाले कमरे में ले जाके बांध के मार के और 3-4 घंटा बराबर मारे हैं। जब देखे कि मरने वाला है तो छोड़ दिए हैं और छोड़ के ले जाके यहाँ गुसलखाने में डाल के टब में चले गए। आप थाने गए थे, क्या कार्रवाई हुई थी? थाने गए, FIR किए हैं। पहले तो FIR हमारी झूठ मानी गई, उसके बाद फिर हमने जब वीडियो दिखाया, फोटो दिखाई, तो फिर हमारी FIR भी लिखी गई और मुकदमा भी दायर किया गया। सिर्फ एक लड़के को भेजा गया जेल। कल क्या हुआ था? कल हमारी उंगली कट गई थी, दवाई लेने गए थे, वहाँ जिस बीने पे झगड़ा हुआ हो तो इनको मारा पीटा गया जी, बहुत मारे हैं। इनकी मौत कैसे हुई है? मारने से इनकी मौत हुई है। थाना मंझनपुर क्षेत्र में एक लड़के को पीट पीट कर मार देने का प्रश्न प्रकाश में आया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य कार्रवाई की जा रही है। यूपी में शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के निर्देशानुसार गोरखपुर जिले में भी इसका खासा असर देखने को मिला। जिले के नोडल पुलिस अधिकारी ADG ATS DK ठाकुर के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन कोतवाली सर्किल के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण संबंधित अधिकारियों के साथ किया गया। वहीं ADJ ATS ने कोतवाली सर्किल के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का भी औचक निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण ADG ATS DK ठाकुर ने किया।
दो दिवसीय दौरे के दौरान एडीजी पुलिस लाइन थाने व जेल समेत अन्य जगहों का औचक निरीक्षण कर सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट डीजीपी को प्रेषित करेंगे। शासन के निर्देशों के अनुसार उनकी समीक्षा में मुख्य मुद्दा जिले के टॉप बदमाशों की सूची होगी, कितने अपराधी पकड़े गए और कितने अभी फरार चल रहे हैं, और उनकी गिरफ्तारी तथा संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इन सभी बातों पर वह संबंधित अधिकारियों थानाध्यक्षों से फीडबैक लेंगे। साथ ही कोविड 19 की रोकथाम के लिए शासन के निर्देश का पालन हो रहा है या नहीं, तमाम बिंदुओं पर वह पड़ताल करेंगे। एडीजी एटीएस सर द्वारा आज कोतवाली थाना का आके भ्रमण किया गया है, और भ्रमण करने के साथ यहाँ पे कोरोना संबंधित तैयारियों के बारे में भी समीक्षा की गई है। साथ में कुछ कई दिशा निर्देश दिए गए हैं कि और कितने प्रभावी ढंग से हम हॉटस्पॉट्स पे निरीक्षण और अपनी निगरानी बना के रख सकते हैं। सर, कोतवाली थाने का भी निरीक्षण किया गया है, सर क्या खामियां मिली है, क्या उन्होंने दिशा निर्देश? थाने का निरीक्षण नहीं है, यहाँ के टॉप 10 और एक्टिव लिस्ट की समीक्षा की गई है। यहाँ पे जो अपराधी उनकी समीक्षा की गई है और उनके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश सर द्वारा दिए गए। सर आगे की सर कैसे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की, जो शहर में तेजी से हॉटस्पॉट क्षेत्र बढ़ रहा है? नहीं, जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट बनेंगे शासन के निर्देशों के अनुरूप वहाँ पे पूरी ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, बैरिकेडिंग की जा रही हैं, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है, स्वास्थ्य टीमों द्वारा भी भ्रमण किया जा रहा है लगातार, और शासन के नए निर्देशों के अनुरूप वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। सर अभी तक सब 3 थाना क्षेत्रों में था, अब आगे सर 2 थाना क्षेत्रों में बढ़ाने की सर क्या आवेदन चल रही है? सर कौन से थाना क्षेत्र और किस तरीके से उसमें लॉकडाउन का पालन कराया? वर्तमान में वीकेंड्स पे सैटरडे और संडे पे पूरे नगर क्षेत्र में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, इनफैक्ट पूरे जनपद में, और पिछले 7 दिनों से कोतवाली सर्कल में, क्योंकि यहाँ पे सघन आबादी थी तो यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया था। आगे जो भी निर्देश शासन द्वारा आएंगे उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोरखनाथ और कैंट में भी सर जैसे जो भी निर्देश आए उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जनपद बहराइच के महसी इलाके में नदी की कटान से परेशान बाढ़ पीड़ितों के वास्तविक हालात देखने क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह व सांसद अक्षयवर लालगौंड पहुंचे, जिन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान सांसद अक्षयवर लालगौंड ने बताया कि 37 कटान पीड़ितों को विस्थापित करने के लिए जमीन मुहैया करवा दी गई है और घर बनाने के लिए धन भी आवंटित किया जा रहा है। जहाँ तक इनकी व्यवस्था की बात है, पीछे हमारे चालारी घाट है, वहाँ पे गाइड बंधे को आगे बढ़ाने की बात माननीय मंत्री जी से की गई है, जल संसाधन मंत्री से। 3 स्टड हमारे पास हैं, इस बार पैसा आया था लेकिन उनकी जमीन का मुआवजा नहीं बट पाया, किसी कारण से लेट में आया था। अगले वर्ष जैसे ही बरसात खत्म होती है मुआवजा बांट करके स्टड बनने शुरू हो जाएंगे, वो नदी के कटाव को रोकेंगे। 3 स्टड हमारा गाइड बंधा आगे बढ़ेगा, वो नदी के डाइवर्जन को रोकेगा। तो पूरा प्रयास सरकार हमारी कर रही है और उनके पुनर्वास की जहाँ तक व्यवस्था है, जो यहाँ कटान हुए हैं हमारे तहसीलदार साहब भी खड़े हैं, SDM साहब भी खड़े हैं, और हमारे अधिकारी जितने भी तहसील स्तर के हैं चाहे जिले स्तर के हों, सब लोग बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं। 26 लोगों के घर कटे हैं, 26ों को पैसा मिल चुका है, 37 लोगों को बसाने के लिए भूमि दी जा चुकी है, और जहाँ तक उनके निश्चित पुनर्वास की व्यवस्था है, जो प्रधानमंत्री आवास के पात्र हैं उनको प्रधानमंत्री आवास। हम लोग जो बहराइच जनपद है वो नदियों के उद्गम मुहाने पर हम लोग बसे हुए हैं, और जब नेपाल में पानी बरसता है, यहाँ पर 15 दिनों से पानी नहीं बरस रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बाढ़ की विभीषिका है। उसका कारण है जो नेपाल से पानी आता है, और उस बाढ़ का जो कारण है वहाँ के नदियों का जो यहाँ पर आना होता है, और इस समय आज भी इस वर्ष भी जो कटान शुरू हुआ है, इसके पहले भी तमाम प्रयास किए गए, इस बार भी लोगों को जिनका मकान कट रहा है, कोई नहीं जानता कि कौन सी किस गांव में नदी का बहाव किधर हो जाएगा, लेकिन फिर भी स्लीपर बना करके नोज बना करके पानियों को रोकने का, उसका पानी को डाइवर्ट करने का, उनका कटाव कैसे रोका जाए, इसके लिए प्रयास हो रहा है। माननीय विधायक जी अभी पूरा विवरण देंगे, लेकिन इतना हम सब लोगों को मालूम है कि केंद्र प्रदेश की सरकार जो लोगों का मकान कट रहा है उनके पुनर्वास की योजना बनाई है। 95,100 रुपया पक्के मकान जिनके कट जाते हैं दिया जाता है, 4,700 रुपया जिनके कच्चे मकान हैं उनको दिया जाता है, और उसके अलावा जो हमारे प्रधानमंत्री आवास है, माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनको आवश्यकता होगी उन सभी लोगों को आवास दिया जाएगा, उनके बसाने की योजना बनाई जाएगी। लेकिन एक बात और है इसके साथ साथ कि हम किसान हैं, हम अपना पैतृक स्थान छोड़ के जल्दी नहीं जाना चाहते हैं,
चाहे कितना हो हमको झेलना पड़े। हमारा मकान कट जाएगा, लेकिन हमारा जो लगाव है भारतीय संस्कृति जो है हमको यहाँ पर खींच के पुनः लाती है कि पुनः अपने पुराने स्थान पर जाएं। लेकिन यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जा करके लोग कुछ दिन तो रहते हैं, लेकिन पुनः आते हैं कि हमारा ये हमारा पैतृक है, यहाँ पर हम रहेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से पूरी योजना रचना तैयार हो रही है कि आने वाले दिनों में किसी को इसका न झेलना पड़ा, कष्ट न हो, इसके लिए सरकार योजना बना रही है। खबर झारखंड से है, जहां मंचलों को सबक सिखाने के लिए पुलिसिया कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। दरअसल गुमला जिले में पिंक पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई है। पिंक पेट्रोलिंग वाहन को एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय में मंचलों के द्वारा छेड़छाड़ की लगातार शिकायत मिलने पर अब मंचलों पर नकेल कसने के लिए एसपी हरदीप बी जनार्दन ने पिंक पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर शहर में पेट्रोलिंग करने के लिए रवाना किया है। और इस पिंक पेट्रोलिंग वाहन में महिला पदाधिकारी और महिला कर्मी ही होंगी। इनका काम मुख्य रूप से शहर के मंचलों को सबक सिखाना होगा। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि समाज में धीरे धीरे महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसी को लेकर के खाली महिला का प्रॉब्लम का निदान के लिए गुमला पुलिस में विशेष रूप से कोई फोर्स का डिपुटेशन नहीं था। इसी को देखते हुए हम लोग एक पिंक पेट्रोलिंग को चालू किया है, जो CCR के कंट्रोल में रहेंगे और महिला थाना के कंट्रोल में रहेंगे। इन लोगों का मेन काम है कि महिला रिलेटेड जो भी समस्या हमारे समक्ष आती है वो तुरंत लोकेशन पर पहुंचना और निदान करना। ये खास करके हमारा जो स्कूल और कॉलेज के आसपास कभी कभी छेड़खानी का भी कांड होता है, और हमारा जो पार्क है पार्क में भी कभी कभी लड़का लोग बदमाशी करता है, स्टंट्स दिखाता है। ये सब को रोकने के लिए अभी हम लोग पिंक पेट्रोलिंग को चालू किया है। ये हमारा 24 घंटा चालू रहेंगे, खास करके जो पीक आवर में जब स्कूल के टाइम में और पार्क के टाइम में ये लोग उस जगह पर रहेंगे और जो भी समस्या आएंगी उसका निदान तुरंत करेंगे।